हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी लेक्चर या वेबिनार की स्ट्रीमिंग किसी चैनल या पेज पे हम कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे अपने को टाइप करना है StreamYard.com। ओके, अब जैसे ही आप StreamYard.com ओपन करेंगे तो आपको ये पेज ओपन मिलेगा। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसके प्राइसिंग एंड प्लान पहले बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ StreamYard प्राइजिंग। तो StreamYard प्राइजिंग में जैसे अपन जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी प्राइजिंग। तीन तरीके प्लान हैं यहाँ पे, एक फ्री प्लान है, एक बेसिक है, एक प्रोफेशनल प्लान है। तो फ्री प्लान भी यूज़ करके आप अपने वीडियो लेक्चर्स या वेबिनार करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सम लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे जैसे वेबिनार की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे StreamYard में वो आपके 6 पार्टिसिपेंट्स ही हो सकते हैं। साथ ही साथ इस पे जो लिमिट है स्ट्रीम करने की पर मंथ वो 20 आवर्स की बस लिमिट है। बाकी फीचर्स कुछ खास नहीं है। दूसरे प्लान की हम बात करते हैं, बेसिक प्लान की, तो इसके लिए चार्ज अपने को $20 पर मंथ का पड़ता है, लेकिन आफ्टर टैक्सेस ये $25 पर मंथ का पड़ जाता है। तो यहाँ पे ऑन स्क्रीन 10 पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं और आपकी जो डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप अपने वेबिनार या लेक्चर्स को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं या स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वो थ्री डेस्टिनेशंस पे कर सकते हैं। अगर इसी को आप $39 पर मंथ का परचेस करते हैं, ये टैक्सेस के बाद $49 पर मंथ का पड़ता है, तो यहाँ पे आप 8 आवर्स पर स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं और 8 डेस्टिनेशन पे अपना जो स्ट्रीमिंग है उसको आप सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, ठीक, बाकी दोनों प्लान के रेस्पेक्ट में। तो इसमें से अगर आपको लगता है कि जो प्लान आपके लिए सूटेबल है वो प्लान आप ले सकते हैं। दो प्लान है जिसको अपने को परचेस करने की नीड है और एक आपका फ्री है। तो ये तो प्राइजिंग की बात हुई। अब हम StreamYard पे चलते हैं। StreamYard पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना मेल आईडी एंटर करना है। तो जैसे ही आप अपना मेल आईडी एंटर करेंगे तो नीचे आपको एक गेट लॉगिन कोड का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो एक 6-डिजिट कोड आपके मेल आईडी पे सेंड हुआ होगा, उसको आपको मेल आईडी से नोट करना है। तो मैं अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन होने के बाद आपको StreamYard की तरफ से कोड के लिए मेल आया होगा और ये कोड है हमारा। ये चाहे तो आप राइट डाउन करके वहाँ पे एंटर भी कर सकते हैं या कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमने कॉपी किया, ये पेस्ट कर दिया। फिर इसके बाद लॉगिन का बटन है, लॉगिन में आप क्लिक करिए तो आप अपने अकाउंट पर लॉगिन कर जाएंगे। ये आपका अकाउंट है जिस पर आप लॉगिन कर चुके हैं। तो एक्चुअली ये जो अकाउंट है ये बेसिक प्लान वाला अकाउंट है जिसको परचेस किया गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ब्रॉड कॉस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, एक डेस्टिनेशंस का ऑप्शन मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन सेट करना है जहाँ पे आप अपनी
वेबिनार या लेक्चर्स को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं चैनल में या किसी पेज पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। मैंने ऑलरेडी एक डेस्टिनेशन सेट करके रखा हुआ है अपने चैनल का, इसलिए ये शो हो रहा है। अगर आप मल्टीपल चैनल पे करना चाहते हैं या किसी दूसरे पेज पे करना चाहते हैं तो ऐड अ डेस्टिनेशन पे आप क्लिक करिए, तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे देखिए मिल जाएंगे। आप कहाँ पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, जैसे फेसबुक पेज पे या फेसबुक के किसी ग्रुप पे, किसी प्रोफाइल पे या लिंक्डइन पेज पे करना चाहते हैं, ये आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे मिल रहे हैं। सपोज़ मैं एक अपना यूट्यूब चैनल फिर से ऐड करके आपको दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप यूट्यूब चैनल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको किसी दूसरे चैनल जिस पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं उसका नाम पूछेगा। तो सपोज़ मैंने एक दूसरा जो चैनल है उस पे क्लिक कर दिया है, तो ये मुझे परमिशंस के लिए पूछेगा, मैं अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही आप अलाउ करेंगे तो आपका जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। आप चाहें तो इसको डेस्टिनेशन पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे मैंने पहले एक डेस्टिनेशन सेट करके रखा हुआ था और ये सेकंड डेस्टिनेशन यहाँ पे सेट हो गया है, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये इस तरीके से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और हम अभी एक ही चैनल पे अपने जो भी लेक्चर्स हैं या वेबिनार है उसको स्ट्रीमिंग कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो डेस्टिनेशन सेट हो जाने के बाद आपको ब्रॉडकास्ट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट का बटन मिलेगा, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो ब्रॉडकास्ट टू करके ऑप्शन मिलता है। आप कहाँ पे ब्रॉडकास्ट आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे जितने भी डेस्टिनेशन आप ऐड किए हुए होंगे वो डेस्टिनेशन यहाँ पे शो होंगे, तो उसमें आपको पर्टिकुलर किसी डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे रिडायरेक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो रिकॉर्ड ओनली के बटन पे आप क्लिक करके अपना जो भी लेक्चर है उसको आप अपने कंप्यूटर पे सेव भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं अपने चैनल पे क्लिक करता हूँ रिडायरेक्ट करने के लिए, तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें मुझे टाइटल एंटर करना होगा। मैंने एक टाइटल एंटर कर दिया है। डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, जो भी लेक्चर या आपका वेबिनार है उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे प्राइवेसी के लिए आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, एक पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट का। तो इनमें जो भी ऑप्शंस आप पे क्लिक करेंगे उस तरीके से आपके चैनल पे उसकी विजिबिलिटी रहेगी। सपोज़ मैं यहाँ पे अनलिस्टेड ले लेता हूँ और नीचे उसके एक शेड्यूल फॉर लेटर के लिए एक चेकबॉक्स मिलेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस और मिलेंगे। यहाँ पे आप अपना थंबनेल एंटर कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके वेबिनार या लेक्चर से रिलेटेड थंबनेल है वो यहाँ आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको शेड्यूल्ड स्टार्ट टाइम ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको किस पर्टिकुलर टाइम पे अपना वेबिनार की या लेक्चर की टाइमिंग रखनी है वो सेट करना होता है। तो सपोज यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डेट चूज़ कर सकते हैं, मैं अभी टुडे का ही ले लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे मुझे टाइमिंग देनी है तो मैं यहाँ पे एक टाइमिंग सेट कर देता हूँ, ये मैं दे देता हूँ 8:55 का, ओके। जैसे ही आप टाइमिंग एंटर कर देंगे उसके बाद आपको क्रिएट ब्रॉडकास्ट का बटन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्रिएट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक करेंगे आपकी जो शेड्यूलिंग है आपको यहाँ पे शो होने लगती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेमो फॉर स्ट्रीमयार्ड, ये शेड्यूल्ड हो चुका है, कब शेड्यूल हुआ है और कब के लिए शेड्यूल हुआ है ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ये डॉट में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, इनवाइट अ गेस्ट, अगर आप मल्टीपल पर्संस वेबिनार में रखना चाहते हैं तो उनको इनवाइट अ गेस्ट पे क्लिक करके ये लिंक उनको आप सेंड कर सकते हैं, जिससे वो आपके स्ट्रीमयार्ड में ज्वाइन कर सकते हैं और उनके भी वीडियोज़
जो भी आपके चैनल पे आपने रिडायरेक्ट करके रखा हुआ है उस पर शो होंगे। ओके, आप कॉपी कलर के इसको सेंड भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जीमेल से कर सकते हैं, मैसेंजर या अदर मीडियम जो भी हैं आपके उसके माध्यम से सेंड कर सकते हैं। फिर आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। एडिट के ऑप्शन में आप जो भी आपने शेड्यूलिंग की हुई है उसमें किसी भी तरीके के आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे सेव चेंजेस का बटन क्लिक करेंगे तो आपका ये एडिट हो जाएगा शेड्यूलिंग। डिलीट का भी ऑप्शन है, आपको अगर यूज़ नहीं करना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी उसको देख सकते हैं। तो ये सेटिंग हो जाने के बाद अपने को क्लिक करना है, जब आपका वेबिनार या लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में आप क्लिक करिए तो आपको ये इन्वायरमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप अपने माइक और कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। आप अगर म्यूट होकर ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी वेबिनार या लेक्चर को तो आप म्यूट पे क्लिक कर दीजिए, या आप अपना वीडियो ऑफ करके एंटर करना चाह रहे हैं तो ऑफ भी कर सकते हैं। आप वहाँ पे एंटर करके बाद में दोनों इनेबल भी कर सकते हैं। सेटिंग्स में आप अपना कैमरा या एक सेकंड मैं इसको पहले ऑन कर देता हूँ। कैमरा के लिए जो भी आप कैमरा चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। ऑडियो के लिए की भी सेटिंग आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं यहाँ से ऑडियो की सेटिंग कर सकते हैं। ओके, फिर नीचे एक डिस्प्ले नेम का ऑप्शन मिलेगा। इस डिस्प्ले नेम में आपको अपना नाम या जो भी नाम के साथ डेजिग्नेशन लिखना है वो यहाँ पे एंटर करना है, यही आपके स्क्रीन में इस तरीके से शो होगी। ओके, ये सेटिंग्स हो जाने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको ये इन्वायरमेंट मिलेगा। इस इन्वायरमेंट में आप यहाँ पर नीचे देखिए आपका जो वीडियो है नीचे स्क्रीन के नीचे शो हो रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही कर्सर लेके आते हैं तो आपको एड टू स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो या सपोज आपने वीडियो लेक्चर्स की बात करते हैं हम, तो आपका जो बोर्ड है वाइट बोर्ड या जो भी बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं लेक्चर्स के लिए वो कैमरे के सामने आप यहाँ रख सकते हैं, जिससे कि जो भी आप स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे वो बोर्ड और आपका चेहरा साथ में दिखाई देगा। ओके, आगे वेबिनार के लिए यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपको 2 persons को शो करने हैं या 3 persons या किस हिसाब से किस तरीके से शो करना है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन का प्रेजेंटेशन चल रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन और वो पर्सन का वीडियो शो होगा, या 2 persons के साथ में प्रेजेंटेशन शो होगा या सिर्फ प्रेजेंटेशन शो होगा, ये सारे ऑप्शंस ये वेबिनार के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन फिर से मिलता है। एडिट के ऑप्शन में आप क्लिक करके चाहें तो आप मल्टीपल डेस्टिनेशन यहाँ से फिर से चूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई डेस्टिनेशन छूट गया है तो यहाँ से फिर से उस डेस्टिनेशन को ऐड कर सकते हैं, या इसमें किसी भी टाइप के चेंजेस करने हैं आपके शेड्यूलिंग में तो वो यहाँ से कर सकते हैं आप। ये हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल्ड लिखा हुआ है, साथ ही साथ एक टाइमर चल रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका लाइव होने का टाइम हो जाएगा। साथ ही साथ आगे देखिए यहाँ पे गो लाइव का एक बटन है, गो लाइव के बटन में क्लिक करते ही आपका जो वेबिनार या लेक्चर है वो लाइव हो जाएगा और आपके पेज पे रिडायरेक्ट होने लगेगा, जहाँ से आपके चैनल की लिंक से जो भी पार्टिसिपेंट हैं या आपके जो स्टूडेंट हैं वो आपके लेक्चर या वेबिनार को अटेंड कर पाएंगे। तो जैसे मैं गो लाइव के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये अगेन रेडी और गो लाइव का ऑप्शन पूछता है मेरे को। अगेन मैं गो लाइव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए यू आर लाइव का ऑप्शन मुझे मिल गया है, और यहाँ पे साथ ही साथ इंडिकेट हो रहा है कि आप इस पर्टिकुलर सेकंड से लाइव हो चुके हैं, ये टाइमिंग आगे चल रही है। इसके अलावा आपको हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर या स्टूडेंट्स आर सीइंग आवर प्रेजेंटेशन
या लेक्चर्स, ये भी आपको यहाँ पे शो होगा। ये जैसे कि अभी जीरो है क्योंकि मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ है। अगर मैं पब्लिक करता और मेरे चैनल पे कोई जाके मेरे ये लेक्चर या वीडियोस को देखता तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या स्टूडेंट का नंबर यहाँ पे शो होने लगता। तो इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पे या आपके किसी पेज पे लाइव स्ट्रीमिंग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, सस्ता और एक बहुत ही जुगाड़ वाला तरीका है जिससे आप अपने लेक्चर्स या वेबिनार को शेड्यूल कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आगे जैसे ही आपका लेक्चर या वेबिनार कंप्लीट होता है, यहाँ पे एंड ब्रॉडकास्ट का बटन है, उस पर आपको क्लिक करना है। ये अगेन क्लिक करने के लिए बोलता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो क्लोज़ हो जाती है और आपका जो भी वीडियो है वो आपके चैनल में शो होने लगता है। तो चाहे तो आप इसको अपने चैनल पे, जैसे मैंने अनलिस्टेड करके रखा हुआ था तो उसको बाद में जैसे मैं पब्लिक करना चाहूँ तो YouTube के स्टूडियो पे या अपने चैनल पे जाके मैं उसको पब्लिक करके जो भी स्टूडेंट हैं या पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पब्लिकली शो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने को इसकी सेटिंग करनी है StreamYard की, और बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी अपने को वीडियो लेक्चर्स को डिफरेंट चैनल्स में अपने शो करना है। ओके।